कोरोना के संकट काल में लोगों को किस तरह सावधानी बरतना है, समाज में अपने दैनिक जीवन में किस तरह का प्रिकॉशंस फॉलो करना है, इस संबंध में एक लघु फिल्म के माध्यम से आपके बीच में जिला प्रशासन इस संदेश को ले आ रहा है। नई जिंदगी की नई पाठशाला, इस लघु फिल्म के माध्यम से गांव में चाहे बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हो, उन लोगों को किस तरह का सामाजिक दूरी बना के रखना है, मास्क का उपयोग करना है और सैनिटाइज कब करना है, इस सभी संबंध में एक अच्छा संदेश मनोरंजन के साथ साथ दिया गया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस लघु फिल्म जरूर आप देखेंगे और आपके मित्रों को, आपके पड़ोसी सभी को इस लघु फिल्म के बारे में जानकारी देंगे, ताकि वो भी कोरोना से बच के एक स्वस्थ वातावरण में रहेंगे और आप भी अपने परिवार को इस कोरोना के महामारी से बचाएं। क्या कभी आपने सोचा है, लॉकडाउन के बाद जब भी स्कूल खुलेंगे, नई जिंदगी की नई पाठशाला में बच्चे कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे और उनके पढ़ने का तौर तरीका क्या होगा? शायद इस ओर आपका ध्यान नहीं है, किंतु गांव में रहने वाली डेविड उर्फ देवेंद्र की पत्नी चंदा को इस बात का पूरा ध्यान है। उस डेविड की पत्नी को, जो कोविड-19 के खतरों से अच्छी तरह वाकिफ नहीं था, मुंबई गया था कमाने, 10 साल से अपने घर नहीं आया था, किंतु वक्त की आंधी उसे अपने घर तक खींच लाई थी। यह दुर्भाग्य ही था देविड कि उसके साथ साथ कोरोना वायरस का प्रकोप भी साथ आया। सरकार ने उसे और उस जैसे कई लोगों के लिए, उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए कई जतन किए, किंतु घर पहुंचने की हड़बड़ी ने उसके साथ गड़बड़ी कर दी। लेकिन देवेंद्र की घरवाली चंदा की समझदारी ने देवेंद्र जैसे लोगों को नई जिंदगी की नई पाठशाला का पाठ पढ़ा दिया। चंदा, 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 अरे तुम? हाँ, मैं भाग आया। मैं भाग आए? थोड़ा इंतजार नहीं होता तुम्हें? दीवारें काट खाए गई थी। क्यों अपना और अपने परिवार का जीवन खतरे में डाल रहे हो? खतरा वतरा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। किंतु हमें खतरा है। हमारी सरकार जो भी कर रही है सही कर रही है। तुम वापस जाओ, कुछ दिन और सब्र करो। 10 साल, पूरे 10 साल हमसे दूर रहे शहर में जाकर, क्या तुम्हें तब तुम्हारी छाती में हमारे करीब आने का भाव नहीं जगा? 1-2 दिन और सब्र करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चंदा, 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 सुनो ना। लो चुटकी। ये क्या है दीदी? देख चुटकी, जब कोई लड़ाई चल रही होती है और दुश्मन भी अदृश्य हो
और उसकी शक्ति का भी हमें पता ना हो, तब हमें अपने अंदर की शक्ति को बढ़ानी चाहिए। ये हमारे अंदर की शक्ति को बढ़ाने वाला काढ़ा है, हमारी सरंडा का रोग प्रतिरोधक शक्ति है ये, इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक। इस संकट काल में हर इंसान को इसे पीना चाहिए। लो, सवेरे सवेरे मास्टरनी जी का भाषण शुरू हो गया छुटकी। देख बेटा, ये तुझे कुछ समझाए, उससे पहले मैं ही बता देता हूँ कि ये तुझे क्या बताने वाली है। जानती है, ये अब कहेगी, छुटकी स्कूल जाकर रगड़ रगड़ के हाथों को धोना है, और वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं ना, सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज नहीं बाबूजी, सैनिटाइज। अरे हाँ हाँ बेटा, वही वही, उसके साथ साथ फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग भी करना है। डिस्टेंसिंग नहीं, डिस्टेंसिंग। फिर वही बात बेटा, डिस्टेंसिंग डिस्टेंसिंग एक ही बात है, थोड़ी थोड़ी दूरी बनाकर वहाँ पर रहना है। बाबूजी, ये मजाक नहीं है, ये समय की मांग है। सुन छुटकी, हमें खेल खेल में ये नहीं भूलना चाहिए कि हम किस दौर में हैं। कोरोना से हमें डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना आखिर क्या है और इससे कैसे बचना है, आज स्पेशल क्लास है इसकी, इंटरनेट में शाम को दिखाऊंगी। बार बार कोरोना कोरोना, कोरोना नहीं हुआ कोई राक्षस हो गया, खा जाएगा क्या हमें। सुनो, तब भाग कर क्यों गांव आया है, चलकर पैदल चलकर मिलो क्यों आया, बॉम्बे का हीरोइन सब देखता वहीं पर रह जाता। दीदी दीदी, रोशनी को देखा तुमने, एक भी नियम सही से नहीं मान रही है, ना हाथ धोती है ना दूर दूर बैठती है। देखो रोशनी, ये नई दुनिया है और हमें नई दुनिया के सभी नियमों को समझना होगा। अब जब तुम स्कूल जाओगी ना, तो पहले वाली पाठशाला नहीं होगी। स्कूल तो खुलेगा लेकिन बदला बदला सा रूप होगा। हम सबको मिलकर ये समझना होगा कि हम स्कूल कैसे जाएं, क्लास में कैसे बैठें, कैसे एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े हों, रोजाना अपने स्कूल ड्रेस को साफ करना है, खेलना है मगर ध्यान से, और हमें अपने माता पिता को भी समझाना है अपने कपड़ों को और अपने जूते चप्पल को घर से बाहर रखें एवं उनके स्वास्थ्य को भी ध्यान दें, है ना, समझे। अरे कोई है घर पे? हे फग्गू, रुक रुक, घर को मंदिर बनाए, गंदगी का अंबार नहीं। जिस तरह किसी भी धर्म के प्रार्थना स्थल साफ सुथरे होते हैं, उसी तरह अपने घर को भी साफ सफाई जरूरी है, समझा। देख फग्गू, ये सख्ती नहीं है बल्कि नियम है हमारी संस्कृति का, यही सब बात तो हम भूलते जा रहे थे। देखो भैया, अब हमें रामायण ना समझाओ। देख भग्गू, समझना तो पड़ेगा वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है बाबू। देखो भैया, जैसा चल रहा है चलने दो, खैर हम तो यहाँ दूसरे काम से आए थे। वो अपनी गोल मटोल सी डॉक्टरनी साहिबा है ना, क्या नाम है उसका? हाँ, वो डॉक्टर जगदम्बा। हाँ, उन्हीं का हमें नंबर चाहिए था। दीदी दीदी, क्या हुआ? बाहर बहुत भीड़ है। तुमने सही कहा था चंदा, हर इंसान को सावधान रहना चाहिए। मुझसे भूल हुई, अहंकार में मैं था। चंदा, तुम्हारी वजह से आज मेरा पूरा परिवार एक बड़े संकट से बच गया। अब हमें नई जिंदगी की नई पाठशाला में नए ढंग से जीना होगा।
पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। साफ तन भी साफ मन भी साफ, तन से दूर हो मन से साथ, रखना नहीं है मुंह पर हाथ। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन घर घर होने वाला, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन घर घर होने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। थोड़े समय की बात है, सावधानी और हिम्मत से देना इसको मात है। भारत में कोरोना सुन लो नहीं है रहने वाला, भारत में कोरोना सुन लो नहीं है रहने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।